दोस्तों, आप अगर LIC का कस्टमर हो और आप LIC का जो मेन पॉलिसी है उसका कॉपी, उसका स्कैन कॉपी आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आसानी से आप LIC का वेबसाइट या तो मोबाइल ऐप के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। LIC ने आपको ये सुविधा देते हैं कि आपका मोबाइल ऐप या तो वेबसाइट से आप अपना मेन पॉलिसी का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। कि कभी अगर आप अपना पॉलिसी को ही रख के भूल जाते हैं और इसका जरूरत पड़ता है, तो आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। चलिए, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, LIC का वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आपका LIC का कॉपी डाउनलोड करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा LIC का वेबसाइट में। वहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपका जितना भी एनुअल पॉलिसी, जितना भी पॉलिसी है उसको एनुअल करके रखना पड़ेगा। अगर पॉलिसी ऐड करके रखेंगे, इसके बाद आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आपका पॉलिसी का कॉपी। और बहुत सारा सुविधा आपको LIC ने इस ऐप के द्वारा देते हैं या तो इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। चलिए, हम अपना मोबाइल पे ले चलते हैं आपको और वहां से दिखाते हैं कैसे आप पॉलिसी का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम अपना मोबाइल पे आ गया है और हमें करना है जो LIC पॉलिसी है उसका कॉपी डाउनलोड। तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें LIC जो मोबाइल ऐप है, तो उसमें LIC कस्टमर मोबाइल ऐप को हम अपन कर लेंगे। आप तब कर सकते हैं ये डाउनलोड अगर आप LIC में एक अकाउंट, ऑनलाइन पोर्टल में एक अकाउंट खोल के रखा है, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, तो रजिस्टर पोर्टल न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप रजिस्टर हो लीजिए और आपका जितना भी पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर है, वो एनरोल कर लीजिए। वो एनरोल करने के बाद ही आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम रजिस्टर पोर्टल यूजर में क्लिक करके लॉगिन हो लेंगे। यहाँ पे मुझे MPIN है एक, आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन हो सकते हैं। मैं MPIN सेट करके रखा हूँ, इसलिए MPIN डाल के लॉगिन हो लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखा हूँ कि हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, LIC का ऑनलाइन पोर्टल वाला अकाउंट में हम लॉगिन हो चुका हूँ। हमें अब जाना है बेसिक सर्विसेज के ऊपर। बेसिक सर्विसेज के ऊपर जाने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉलिसी शेड्यूल। पॉलिसी शेड्यूल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मेरा जितना पॉलिसी यहाँ पे एनरोल्ड है, ये सारे का सारा पॉलिसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम अगर किसी भी एक पॉलिसी के ऊपर क्लिक करूँगा, मान लीजिए पहले वाला पॉलिसी के ऊपर हम क्लिक कर देता हूँ, तो अपना जो पॉलिसी का इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। देखिए, वो डाउनलोड मतलब वो सामने हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है अपना जो पॉलिसी है, मेन पॉलिसी, उस पॉलिसी का कॉपी। आप उसे सेव करने के लिए ऊपर 3 लाइन वाला एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और आप चाहे तो डायरेक्ट प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपका PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और हम जाके देखेंगे कहाँ सेव होता है। मेरा तो मैं जाऊँगा अपना फाइल मैनेजर में जाऊँगा और अपना डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपने आप आ गया, ये डाउनलोड्स के अंदर है, ये आ गया, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। PDF फॉर्मेट है, PDF फाइल होना पड़ेगा आपके पास, एक्रोबेट PDF का सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। और ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं आपका मोबाइल का डाउनलोड कहाँ होगा, कहाँ डाउनलोड ऑप्शन है वहाँ पे देख सकते हैं। ये डाउनलोड है, यहाँ पे आ रखा है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका डाउनलोड वाला चीज़ें सेव होता है। मेरा ये जैसे पहले वाला सेव हो रखा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है और कैसे आप पॉलिसी का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं ये पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, इजाजत दीजिए, नमस्कार।